देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज पीएम मोदी का जोधपुर दौरा, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली के समापन समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर आएंगे। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से पीएम मोदी का काफिला झाला मंडी स्थित हाईकोर्ट परिसर के कार्यक्रम स्थल पहुँचेगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने आज बुलाई कैबिनेट मीटिंग। आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक होगी। प्रदेश सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले 8 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने का निर्णय लिया गया था। रांची में आज से स्टेट हॉकी चैंपियनशिप शुरू होगी। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी रांची के डोरंडा स्थित टाटा स्टील के कार्यालय में शुक्रवार को खेल प्रमुख मुकुल चौधरी और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन प्रमुख रोड़ा राजीव कुमार ने दी। वहीं उन्होंने बताया कि टाटा स्टील हॉकी झारखंड के साथ मिलकर 25 अगस्त से रांची में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता कराने जा रहा है। धनबाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार आज प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग का आयोजन बीएसएस बालवाड़ी मिश्रित भवन परिसर में होगा। जो अभ्यर्थी धनबाद जिले में 1 अगस्त को आयोजित काउंसलिंग में भाग ले चुके, उन्हें आज होने वाली काउंसलिंग में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा पुलिस में सिपाहियों की भर्ती परीक्षा आज यानी कि 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी। पुरुष सिपाहियों के लिए लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र कुरुक्षेत्र व करनाल में होंगे। महिलाओं के लिए परीक्षा केंद्र पंचकुला में बनाया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल पर हिसार बठिंडा रेलखंड के मध्य स्थित हिसार स्टेशन पर तकनीकी कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार आज भी कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। लखनऊ के पार्षद दल के उपनेता सुशील तिवारी पम्मी ने आज भाजपा के सभी पार्षदों की बैठक महानगर कल्याण मंडप में बुलाई है। आपको बता दें कि बैठक में महापौर सुषमा खरकवाल को भी बुलाया गया है, जहां वो पार्षदों की समस्याएं सुनेंगे। बीकानेर में लक्ष्मी देवी देखभाल फाउंडेशन व सयोना संगीत शिक्षण संस्थान की ओर से आज यानी कि 25 अगस्त को महिला मंडल स्कूल परिसर में जन्माष्टमी महोत्सव प्रतियोगिता होगी। दोपहर 12 बजे से कृष्ण या राधा बनो कान्हा जी सजाओ कृष्ण नृत्य प्रतियोगिता और भजन गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दिल्ली मेट्रो ने प्रेस्थी कॉरिडोर की सेवाओं में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस कॉरिडोर की लाइनों पर मेट्रो ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया, अभी तक इस ट्रेन की सभी लाइनों पर रविवार को सुबह 8 बजे से मेट्रो ट्रेन की सेवाएं मिलती थी, जिसे अब आज से बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर अभी भी जारी है। यूपी के कई इलाकों में आज आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने आज के लिए प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1957 में आज के दिन भारतीय पोलो टीम ने विश्व कप जीता था। साल 1962 में आज के दिन फिल्म अभिनेता राजीव कपूर का जन्म हुआ था। साल 1972 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा राष्ट्र सेवी हरिभाव उपाध्याय का निधन हुआ था। साल 1980 में आज के दिन जिम्बाब्वे संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। साल 1994 में आज के दिन भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का जन्म हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज।